हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही टेस्टी बैंगन भरता बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे बैंगन। तो बैंगन आप चोखा के लिए जो बैंगन मोटा लेते हैं ना, वही बैंगन लीजिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा बनेगा। और मेरे पास अभी फ़िलहाल जो था मैं वही ली हूँ, फिर भी उसमें से मोटा जो था उसे मैं छांट कर ली हूँ। और उसमें सबसे पहले हरी मिर्च और लहसुन को इस तरीके से उसको चीरा लगा कर डाल लीजिए। तो ये सब काम हम बैंगन को पहले धो लिए हैं, धोने के बाद ये सब काम हम कर रहे हैं। सबसे पहले उसे हम बीच में से फाड़ कर देख लेंगे कहीं बैंगन हमारा ख़राब तो नहीं है। चेक करने के बाद ही बैंगन को फिर किनारे किनारे साइड से हल्का हल्का चीरा लगा कर उसमें लहसुन और हरी मिर्च को हमने भरा है। तो इस तरीके से हमने पूरे 4 बैंगन को भर कर रखा है। और भर करके इसे हम इसमें हल्का सा डाल लेंगे नमक और डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल। और मस्टर्ड ऑयल में ही बहुत टेस्टी बनता है, तो इसे आप इसी में ही बनाइएगा। और डालने के बाद इसे नमक और मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से इसमें मिला लेंगे, ताकि जब इसको हम गैस पर पकाएं ना तो बहुत जल्दी और अच्छे से हमारा ये चारों तरह से पक जाए। इसलिए ये प्रोसेस ज़रूर करिएगा, इससे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है बैंगन का और पकता भी बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से है। और साथ में ही इसके साथ हम ले लेंगे टमाटर। तो टमाटर में भी सेम प्रोसेस वही करेंगे हम, बस उसमें हम जो लहसुन था लहसुन और हरी मिर्च नहीं लगाएंगे, बट नमक तेल लगा करके इसे हम गैस पर पका लेंगे चारों साइड से। तीन सभी को अलट पलटते हुए चारों साइड से हम पका लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से देखिए हमारे सारे बैंगन और टमाटर जो है पक गए हैं। तो सारे बैंगन देख रहे हैं कितने अच्छे से पक चुके हैं और टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं। सबके जो छिलके थे ऊपर से उसे हम अच्छे से निकाल लेंगे। और ये हमारा हरी मिर्च लहसुन जो डाल करके था, तो हरी मिर्च लहसुन भी ले लेंगे। उसमें लहसुन के छिलके हम निकाल लेंगे, क्योंकि पहले हम छिलके के साथ ही लहसुन यूज किए थे और साथ में हरी मिर्च लिए थे। तो उन सभी को अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे, मैश लेंगे अच्छे से। हाथों से अगर मैश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से मैश होता है, तो हाथों से ही मैश करिएगा। अच्छे तरीके से जब मैश हो जाए तो इसके बाद आगे का प्रोसेस हम करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए हमारे अच्छे से मिक्स हो चुका है। और इसमें हम लेंगे अलग से एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल में फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो मस्टर्ड ऑयल यूज करिएगा। और साथ में इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, साथ में हम कश्मीरी मिर्च डाले हैं जो कि बहुत तीखा नहीं है हमारा, बस फ्लेवर के लिए, सोनापन के लिए। और इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो कि हम बारीक काट कर पहले से रखे हुए थे। तो इन सभी को डाल करके इसे हम हल्का सा भून लेंगे। जब ये हमारा अच्छे से भून जाएगा तो इसमें हम डालेंगे प्याज जो कि बारीक कटा हुआ ही रहेगा, और इसको भी डाल के हम हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक प्याज को भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी और मसाला डालेंगे। मसाला में हम कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद हो। हमने मैगी मसाला यूज़ किया है, इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो किचन किंग मसाला या फिर गर्म मसाला भी यूज कर सकते हैं। और साथ में इसमें हम डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना हमें नमक कम या ज़्यादा खाना है। और टमाटर इसमें हम ऊपर से और यूज कर रहे हैं, अगर आप टमाटर स्किप करना हो या कम टमाटर आप खाते हो तो आप टमाटर बस 2 ही डालिएगा जो कि हम गैस पकाए थे पहले से। और हमें टमाटर थोड़ा फ्लेवर अच्छा लगता है, इसलिए इसमें टमाटर और डालें। और साथ में टमाटर के साथ नमक भी डाल दिए हैं ताकि हमारा टमाटर जो है जल्दी से गल जाए। तो नमक आप पहले भी डाल सकते हैं, टमाटर डालने के बाद भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसे ढक करके हम बहुत अच्छे से पकाएंगे। पकाने के बाद इसे हम बहुत ही अच्छे से हमें इसे मैश कर लेना है, जिस तरीके से हमने इसे मैश किया है देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। जितना अच्छे से आप मैश करेंगे ना उतना अच्छा फ्लेवर इन्हेंस हो गया आता है। वो जो जीरा हम डाले हैं, लहसुन डाले हैं, अदरक डाले हैं, उन सभी का फ्लेवर जो है ना अच्छे से मिक्स करने से बहुत अच्छा उसका फ्लेवर जूस निकल के आता है। और जब अच्छे से मिक्स हो जाना तो इसमें हम जो बैंगन टमाटर लहसुन और हरी मिर्च हम पका कर रखे हुए थे पहले से मिक्स करके उसे उसमें हम डालेंगे। और डालने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से भुनेंगे। जितना अच्छा भुनाई करेंगे ना इसका उतना अच्छा इसका फ्लेवर जो अच्छा बन करके आता है। और साथ में लास्ट में अगर आपके पास कोरिएंडर लीव्स है तो उसे डाल दीजिएगा। मेरे पास अभी नहीं था तो मैं इसे नहीं डाल रही हूँ, डालिएगा जरूर अगर आपके पास है, तो उससे इसका फ्लेवर में चांद चांद लग जाता है फ्रेंड। और फाइनली हमारा जो है बैंगन का भरता बनकर रेडी हो गया और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। वो जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।